मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी। रामनवमी भी है तो आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं सुबह सुबह बस नहा धो के पूजा कर ली हूँ और बच्चे वहाँ पे अभी भी बाहर वेट कर रहे हैं। हम लोग ऑटो ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो चार्ज निकलेंगे। और वाटर फैमिली क्लब कोलम क्या है कबाना, यस क्लब कबाना के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहीं पे आज पूरे दिन का हम लोग का इन्जॉयमेंट है जो भी है, उसके बाद फिर घर जाने की तैयारी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। बस घर जाने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा बाहर इन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग क्लब जा रहे हैं तो वहीं पे आप लोगों से मुलाकात होगी। और यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस गेट पे पहुँच गए हैं, तो ये क्लब कबाना का एंट्रेंस है और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये ग्रीनरी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा यहाँ का लोकेशन मींस सिनेरियो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का मॉर्निंग भी काफ़ी कूल मॉर्निंग हो गया है, मतलब बिल्कुल एकदम हल्का काफ़ी धूप निकल रहा है, काफ़ी धूप निकल रहा है हम लोग को लग रहा था। और आने में रास्ते में तो बहुत ठंड लग रही थी लेकिन अभी ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चे आके थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग। और आज का एंजॉयमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो सेशन ले लेते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये हमारा वेलकम टी है, सॉरी वेलकम ड्रिंक। और आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ अभी चलेंगे बेटा उधर। और ये यहाँ का सिनेरियो है तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने पूरा एक क्लिप शूट कर लिया पूरे राउंड करके। बहुत प्यारा लग रहा था। और वीकेंड में यहाँ आके टाइम हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, मॉर्निंग में आके इवनिंग तक रह के, और बहुत ही रिलैक्स फील हुआ था। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो यहाँ पर मिल रही है ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में वड़ा पूरी और पूरी था, फिर से इडली और सांभर चटनी एंड ऑल, पर बहुत ही अच्छा था। जितना जैसा हम लोग ने पे किया था उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी थी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। यहाँ पे बच्चों की फुल ऑन मस्ती स्टार्ट है और यहाँ पे जंपिंग बैग पे बच्चे जंप कर रहे हैं। ये जंपिंग बैग इसे बोलते हैं या क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है।
fried rice. Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. You. I know that something special made me think about you. About you, 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 you. About you, 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 you.
सबने खूब इंजॉय किया था, बहुत मस्ती किया था, पानी में बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे भी समर टाइम में पानी वाली जगह पे जाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी बच्चों ने खूब इंजॉय किया था, मीन्स बच्चे ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन सारी चीज़ों को, और उनके साथ साथ हमें भी अच्छा लगता है, हम भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ का जो दिन था बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन चुके थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और आगे भी बनी रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। छोटा सा हमारा स्नैक्स टाइम है, तो यहाँ पे भेलपूरी और पानी पूरी का स्नैक्स टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पानी पूरी ले रही हूँ, भेलपूरी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं वाटर स्लाइडिंग के पास। तो यहाँ पे मुझे तो पहले बहुत डर लगता, सबसे बड़ी बात कि मुझे इस पर बहुत डर लगता है, मेरा ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं पहले भी इस पर जा चुकी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जो इसका एक फोबिया है वो जाता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग कैसे वाटर स्लाइड कर रहे हैं, और बस मैं वहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गए शिवानी के पापा, और मुझे उन्होंने बहुत फोर्स किया कि तुम जाओ कर सकती हो। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई, और मैं एक बार जाने के बाद मैं दो टाइम भी गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम खुशबू आई थी तो उस समय हम लोग वाटर पार्क में गए थे, तो उस समय भी काफ़ी फोर्स किया था उसने, तभी मैं गई थी। और इस बार उसे हम लोग मिस कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इस बार गई। तो और कुछ लेडीज़ लोग ने था, तो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं जाओ और बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। फिर मैं गई, पता नहीं क्यों इससे मुझे इतने फोबिया क्यों है, लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे मेरा फोबिया कम हो रहा है। तो ऐसे कि सब बहुत रस भी था, सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बनाना पील स्लाइड है, और यहाँ पे हम लोग दूसरे पूल में आ गए हैं। अभी यहाँ पे हमारा लंच टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ गेम खेलेंगे। और शाम तक अभी इतना है, तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। और इन लोगों का कपड़ा हट गया है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा ठंड लग रही थी, पानी में नहाना वाना हो गया, यानी जितना भी वाटर वाला गेम था सभी हो गया। और अभी हम लोग गेम साइड में आ गए हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग गेम खेलेंगे। Thank you.
not open. No, Sriyam, don't do. और यहाँ पे श्रेयांश बाबू बॉल थ्रो किए हैं, जो कि आधे रास्ते में जाके रुक गया और इसकी बॉल काफ़ी हेवी थी। इसका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये बॉलिंग वाले, हम लोगों ने गेम हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। और यहाँ पे देखिए अभी मेरा टर्न आ गया है, तो मैं भी बॉल थ्रो कर रही हूँ और ये भी जाके आधे रास्ते में ही फिश हो गया। फिर अभी और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। संडे फंडे बन गया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय किया था। मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हूँ, बहुत इंजॉय किया था रियली, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन इस बीच में मेरी हेडेक मुझे बहुत परेशान किया था। एक्चुअली मुझे काफ़ी तेज़ हेडेक भी स्टार्ट हो गया था और मैं टैबलेट लेके भी नहीं गई थी, तो थोड़ी सी ट्रबल भी हो गया था मेरे लिए घर पर आने के बाद। गॉड हेडेक ज़्यादा बढ़ गया था। और थोड़ी हेडेक की बातें बाद में करते हैं, अभी यहाँ पर गेम इंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं, क्योंकि अभी 5 o'clock होने वाला है। हम लोग सुबह के 8 बजे घर से निकले हैं, 8 नहीं बोलेंगे, 7:45 ऑलमोस्ट हो गया था निकलते निकलते। और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा रेस्ट हो गया, तो चलिए आप लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से अब हम लोग अपना बैग वगैरह सब कुछ ले रहे हैं। और कोई कपड़े नहीं है ना, तो चलिए अभी गाड़ी देखना है यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी कोई कैब नहीं दिखा रहा है, बाहर निकल के फिर हम लोग देखते हैं कि कैब वगैरह दिखाता है या नहीं। और नाउ इट्स टाइम टू लीव, बाय बाय क्लब कबाना, नेक्स्ट टाइम विल कम अगेन, बाय बाय। Where is Shreyans? Shreyans is hiding. Come. Come, beta. हमारी चाय, तो हम लोग घर पे आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए और बच्चों में मैं लगी, उसके बाद अभी चाय बना के देख जाके बैठ के पी रहे हैं और अभी खाना बनाना है। और एक दिन में शरीर का ये हाल हो गया, इतना ज़्यादा टैनिंग हो गया है, फेस तो एकदम बुरा हाल है। और बस अभी हम लोग चाय लेंगे और फिर मैं खाना बनाऊँगी। इसी के साथ आज मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।